태양절이 될 때. जब तुम्हें मारता है ना तो अच्छी अच्छी ड्यूटी मिलेगा। इसीलिए तो किसी ने कहा
काफी जिंदगी में वापस नहीं आऊंगा, समझा क्या? नहीं यार, आपको कभी जिंदगी में तेरे कहीं नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं आएगा। जा, ऐसा मत करो यार। यार सुधरेगा नहीं, छोटी छोटी बात लेके एकदम बहस कर देता। ये भगवान भला करना, इसका भला करना। इसलिए बुलाया हूँ कि तुम्हारे मालिक कहाँ और ईंट का रेट क्या चल रहा है। ईंट मिल जाएगा सर। क्या रेट है तुम्हारे मालिक का? मिल जाएगा आपको, रेट से मिल जाएगा। मालिक से मेरी मुलाकात करवा दो। हाँ, मुलाकात मैं आपसे मालिक से हो जाएगी, करवा दे रहा हूँ। यार तुमको मैं पहचान रहा हूँ। हाँ साहब, कहीं तुम श्याम तो नहीं? श्याम? हमारा नाम श्याम है, है? श्याम पहचान रहे हो? श्याम सब ना पहचान, राम याद है? राम राम राम, हाँ हाँ याद आ गया, याद आ गया। अरे यार श्याम, किस हालात में हो गया है तू? ये राम है बचपन में और कैसा हो गया? राम भाई अपनी यार बता, तू कैसा है? नहीं मैं छोड़, तू तू बता अपनी। मैं अपनी क्या बताऊं, सब हालात और समय समय की मार है यार। तू तो बड़ा आदमी बन गया है। क्या बड़ा आदमी, सब मेहनत का नतीजा। तो कहता था ना कि मेहनत कर ले, उसी का नतीजा है। हाँ मेरे दोस्त राम, तू सही कहता था। जब समय मेरे पास था, मैं समय के साथ नहीं था। आज मैं समय का मारा मारा फिर रहा हूँ। मैं समय को नज़रअंदाज कर देता था यार,
तू सही कहता था राम, तुम मेरे दोस्त, मेरे हालात को समझ के उस समय बिल्कुल सही कहता था। आज मैं समय का नहीं रहा, आज मैं समय मुझे छोड़ के आज चला गया, आज समय तेरे साथ है। इसलिए तुम्हारा जो अमीर आदमी है और मैं गरीब आदमी रह गया दोस्त। नहीं दोस्त, समय गलत नहीं था, बस तुमने गलत रास्ता पकड़ लिया था। समय अपनी जगह सही था दोस्त, जो लोग तुम्हारे साथ थे ना, वो तुम्हें रास्ता दिखाने वाले नहीं, रास्ता भटकाने वाले मिल गए थे। वो गलत रास्ते पर तुम्हें ले जा रहे थे। मेरे दोस्त श्याम, याद है तो बचपन में जब वो बगल वाले दादाजी एक कहानी सुनाते थे सूप की, याद है? कहते थे कि सूप जो है अच्छे अनाज को अपने अंदर घर कर लेता है, अपने साथ रख लेता है, और बुरे चीज़ों को यानी कंकड़ पत्थर को बाहर फेंक देता है। उसी प्रकार से इंसान को भी अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, बुरी चीज़ें फेंक देनी चाहिए, इंसान एक दिन बड़ा आदमी अपने आप बन जाएगा। याद है ना? वही चीज़ मैंने किया दोस्त, मैंने अच्छी चीज़ों को ग्रहण किया, बुरी चीज़ों को फेंक दिया, तुमने गलत चीज़ों को ग्रहण किया और अच्छी चीज़ों को फेंक दिया। उसका नतीजा है कि आज तुम वहाँ हो और मैं यहाँ हूँ। लेकिन कोई बात नहीं दोस्त, आज चलो, अब तुम मेरे साथ रहो, ठीक है? मेरा दोस्त इतने दिन बाद मिला,